नीलेश मिश्रा का जन्म नैनीताल में हुआ था। नीलेश ने अपनी स्कूली शिक्षा महानगर बॉयज इंटर कॉलेज लखनऊ से की और डीएसपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नैनीताल 1993 से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता संस्थान दिल्ली से अपनी पत्रकारिता का कोर्स किया है। मिश्रा भारतीय रचनात्मक लैंडस्केप पर एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। नीलेश मुख्य रूप से बॉलीवुड लिरिक राइटर, पटकथाएं और कथाएं लिखने में माहिर हैं। वह पुरस्कार विजेता पत्रकारों में से एक हैं और भारत के पहले पेशेवर समाचार पत्र कंपनी गांव कनेक्शन के मालिक हैं। मिश्रा ने सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर की पटकथा भी लिखी थी। एक गीतकार के रूप में उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म जिस्म 2003 से अपने कैरियर की शुरुआत की। उनके द्वारा बनाए गए कुछ लोकप्रिय गीतों में जाने भी दो, नशा है, चलो तुम लेके चलें, बम्पन प्यार है, दिल दिल से कहना है, खूबसूरत है शामिल है। नीलेश ने लगभग 5 किताबें लिखी हैं जिनमें द हाईजैकिंग ऑफ आईसी, 1814 एंड ऑफ द लाइन, द स्टोरी ऑफ द नेपाल रॉयल्स और साथ ही द एब्सेंट स्टेट और नीलेश मिश्रा का याद शहर शामिल है। इस बेहद प्रतिभाशाली रेडियो जॉकी ने 92.7 बिग एफएम पर यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा के लिए कहानीकार के रूप में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस रेडियो शो में मिश्रा अपने दर्शकों को अपने याद शहर के बारे में बताते हैं, जो एक कल्पनाशील शहर है जिसे उन्होंने खुद बनाया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।